हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज। दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के NCERT बुक का, जो कि मूवमेंट्स बुक का थर्ड चैप्टर है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो एज द नेम सजेस्ट, इस स्टोरी में ईश्वरन जो है वो एक स्टोरी टेलर है। तो हम उसकी कहानियाँ सुनेंगे और देखेंगे कि वो कितनी दिलचस्पी के साथ, कितने अच्छे वे में हमें कहानियाँ बताता है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं रियल में पहुँच गए हो। तो यहाँ पर कहानी है दो दोस्तों के बीच। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ईश्वरन कौन सी स्टोरी सुनाता है और आगे क्या हुआ, वरना आपको मज़ा ही नहीं आएगा इस स्टोरी में। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वाज इट अ घोस्ट? तो एक दिन जो महेंद्र है वो अपनी नींद से उठ जाता है, ठीक है, आधी रात में, और बहुत ही डार्क क्लाउडी का फॉर्म टाइप का था, उसकी विंडो से उसने देखा तो वो एकदम पसीने से लथपथ हो जाते, एकदम डर के कारण। आप भी देखते हो ना, आपके पसीने छूटने लगते हैं, उसी को यहाँ पे कोल्ड स्वेट लिखा गया है। तो अब वो क्या पूछता है, क्या ये एक घोस्ट है? तो आपको इसी बिफोर यू रीड से पता चल गया होगा कि इसमें एक घोस्ट की भी स्टोरी होगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे कैसे और कितने इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्रा बाई नेम। तो ये जो स्टोरी है, गणेश को नरेट की जा रही है एक यंग इंसान के द्वारा, मतलब एक नौजवान के द्वारा, जो कि महेंद्र है उसका नाम है, ठीक है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्स ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो ये एक जूनियर सुपरवाइजर था फर्म में, जैसे कि उसको बहुत जगह पर हायर किया जाता था सुपरवाइजर के रूप में, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी इसको बुलाया जाता था। कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप जैसे कि फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर ब्रिजेस, डैम्स, और इसी तरीके की बहुत सारी जगह जैसे कि मॉल वगैरह, तो इन जगह पे उसे बुलाया जाता था सुपरवाइज करने के लिए। महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। तो महिंद्रा को लोगों के ऊपर नज़रें रखनी थी जो कि एक्टिविटीज़ हो रही है, जो वर्क साइट पे हो रही है, मतलब इन बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह पे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कैसा चल रहा है उसको देखना होता था, उसको सुपरवाइज करना होता था, एज द नेम सजेस्ट। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। तो इसी तरीके से वो अलग अलग जगह घूमता रहता था, मतलब देन एंड नाउ का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब हर जगह, कभी इस जगह पे होता था, कभी उस जगह पे, तो इसको मूव करना होता था, क्योंकि एक बार जब ये जगह तैयार हो गई तो अब यहाँ पे सुपरवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, अब उसको कोई ख़रीदेगा, उसमें रहेंगे, तो अब उसको कहीं और जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पे भी उसका हेड बोलते थे वो वहीं जाते थे। लेकिन He was a bachelor. His needs were simple, as he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो वो एक bachelor था, उसकी ज़रूरतें एकदम simple type की थी, वो अपने आप को हर condition पर adjust कर लेता था, भले ही कितनी भी बुरी से बुरी condition क्यों ना हो, वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेता था, कहीं भी रुक सकता था। अगर जहाँ पे अच्छे से वायरिंग वगैरह नहीं हुई है, जहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी रुक जाता था, ठीक है, या फिर वो एक टेंट लगा के वहीं रुक जाता था जहाँ काम हो रहा है। बट ऑन एसिड ही हैड वॉज हिज कुक। तो एक जो फ़ायदा था उसके साथ, वो उसका कुक था। तो अब देखते हैं कुक का नाम क्या है, ईश्वरन। तो हमें पता चल गया जो ईश्वरन है वो उसका कुक भी है। The cook was quite attached to Mahindra and followed his uncomplainingly wherever he was posted. तो जो कुक था वो भी शायद से बैचलर होगा, वो महिंद्रा को फॉलो करता रहता था, मतलब वो उससे बहुत जुड़ा हुआ था, तो कहीं भी बिना कंप्लेन किए वो उसके साथ चला जाता था। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. तो वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और रात में उसको कंपनी भी देता था, उससे बातें भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स। तो वो बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ बना सकता था जो कि कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे कि एनेक्डोट्स वगैरह वेरियस सब्जेक्ट्स पे बना सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इन्ग्रीडियंट्स।
तब उसमें एक और अच्छी गुण थे, एक और अच्छा गुण था उसके पास कि वो कितने भी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर सकता था या फिर कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को. सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और वो कहीं से भी उन सबको ला सकता था, भले ही अगर आपको दूर दूर तक कोई दुकान ना दिख रही हो या फिर आपने होप ही छोड़ दिया अब यहाँ नहीं मिलेगा, फिर भी वो ला सकता था ये सब. ये उसकी बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी थी. ही वुड मिरेक्युलसली कॉन्जर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. तो मतलब अब वो जिंक शीट शेल्टर पे आ गए हैं जो कि उनका नया काम करने की जगह थी, तो वहाँ पे भी एक घंटे के अंदर उसने बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स से बहुत ही डिलीशियस फूड बना लिया था. अब उसको महेंद्र को लगता था उसके पास कोई सुपर पावर है, लेकिन ऐसा है नहीं. मतलब वो इतने अच्छे से काम करता था कि हमें मजबूर कर दे कि उसके पास कुछ मिराकुलस है, कुछ पावर है. महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम. तो महेंद्र जो है वो सुबह सुबह उठ जाता है जल्दी, और कुछ नहा धोवा के वो जाता है अपने वर्क प्लेस पे, ब्रेकफास्ट लेके जाता है जो कि उसके लिए बनाया गया है ईश्वरन के द्वारा. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरस बाथ, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. तो उस वक्त में ईश्वरन जो है वो घर की साफ़ सफाई करता था, उसके कपड़े धोता था और एक बहुत ही अच्छे से बात लेता था, मतलब लियोशियरली बात लेता था, ठीक है. और उसमें वो बहुत सारे बकेट्स डालता था अपने ऊपर पानी के, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल. तो वो एक प्रेयर भी गाता रहता था, मटर करता रहता था, मतलब बुदबुदाता रहता था, ठीक है. इट वुड बी लंच टाइम बाई दिन, और उसके बाद तक तब तक ये सारे काम करते करते लंच टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. तो खाना खाते ही वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता था, ठीक है, बिना सोए में. मतलब डोजिंग ऑफ का मतलब है सोने से पहले वो पढ़ लेता था कुछ बुक्स. द बुक्स वे यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. तो ज़्यादातर जो बुक्स थी वो एक तमिल थ्रिलर की कहानियाँ होती थी, उसमें हंड्रेड्स से भी ज़्यादा पेजेस होते थे. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल. तो उसकी इतनी सारी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस या फिर उसकी जो स्टोरी थी ईश्वरन को वो थ्राल में ले आती थी. By his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और उसके खुद के descriptions भी बहुत ज़्यादा influence होते थे Tamil authors के द्वारा जो कि वो पढ़ता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. अगर वो छोटे से छोटे incidents को भी बताना चाहता था तो वो बहुत ही surprise और suspense के साथ बताता था, ठीक है. तो जैसे कि आप एक example इसमें आपको दिया है. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I come closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो देख सकते हो आपने इसने कितने सस्पेंस के साथ बताया. सिर्फ ये ना बताते हुए कि जब वो हाईवे से आया तो उसको एक पेड़ गिरा हुआ मिला. उसने बताया कि मैं हाईवे से जा रहा था, पूरा अकेला जा रहा था, अंधेरे में जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक जाइंट ना वहाँ पर सोया हुआ है. तो मैंने सोचा कि मैं आधे रास्ते से मुड़ जाऊँ, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं उसके पास आता गया, मैंने जब उसे ध्यान से देखा तब मुझे दिखाई दिया कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था, फिर वो आगे चला गया. तो देखो कितने सस्पेंस के साथ बताया. आप सोचोगे कि अब क्या होगा आगे, कहीं वो रियल में कोई जायंट तो नहीं है. तो इस तरीके से वो बताता है, ठीक है. महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. तो वो मतलब अनक्रिटिकल होके सुनता था, मतलब उसको पता है कि सच तो नहीं है, फिर भी वो एकदम इंटरेस्ट लेके सुनता था, जैसे कि उसको लगे कि ये सच ही है. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. तो अब वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि जिस जगह से मैं आया हूँ वो फेमस है टिम्बर के लिए. ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. तो मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से घिरा हुआ एरिया है पूरी तरफ.
द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लोरिस बाय एलिफेंट्स. तो जो लॉग्स थे उनको हम कैसे गाड़ियों में डालते थे, एलिफेंट्स के, बहुत सारे एलिफेंट्स के ऊपर रख के. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. तो वो बहुत ही बड़े होते हैं और उनको अच्छे से पाला गया होता है, वो उस टाइप के बीस्ट होते हैं. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और जब वो एकदम wild turn हो जाए तो बहुत ही famous या फिर सबसे ज़्यादा experienced mahout जो है वो भी उन्हें control नहीं कर पाता. mahout वही होता है जो elephants को पालता है, उन्हें चलाता है. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. तो इस कहानी की shortest इंट्रोडक्शन के बाद वो कहता है, एक एनेक्डॉट में चला जाता है जिसमें एक एलिफेंट की कहानी इन्वॉल्व हो रही है. वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. तो एक दिन एक टस्कर मीन्स एक एलिफेंट जो है वो भाग जाता है टिम्बर यार्ड से और वो सब यहाँ वहाँ घूमना शुरू करता है, बुशेस को तोड़ना, सब कुछ को तोड़ फोड़ करने मचाने लगता है. ठीक है, यू नो सर how an elephant behaves when it goes bad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about stamping his feet in emulation of the mad elephant. to ab wo kehte hai ki aapko pata hi hai jab ek elephant jo hai wo ekdam bekar sa pagalpanti jaisa behave karna shuru karta hai to wo kaisa karta hai. तो ईश्वरन अब उसकी एक्टिंग करनी शुरू करता है, वो खुद चेयर से उठता है, उसकी तरह जंप करने लगता है और बताता है कि कैसे हुआ था. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन. तो अब वो कहता है एलिफेंट जो है ना वो आउटस्कर्ट्स पे पहुंच गया, मतलब बाउंड्री पे पहुंच गया उसके टाउन के. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू. और उसको मैच स्टिक्स को ना वो ऐसे ब्रेक, जैसे कि वो वहाँ से जा रहा है ना, फेंसेस को ऐसे ब्रेक कर रहा है जैसे कि वो एक मैच स्टिक हो. ही वुड कंटिन्यू, अब वो कंटिन्यू करता है. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो जितने भी अब वो एकदम एंड पे आ गया है और मेन रोड पे अब वो पहुंच चुका है. ठीक है, अब उसने जितने भी स्टॉल्स थे जिसमें फ्रूट्स थे या फिर मड पॉट्स या फिर क्लोथ्स जो भी बेच रहे थे उन सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया है. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. अब जो लोग हैं इधर उधर दौड़ने लग गए पैनिक में, खौफ में. द एलिफेंट नाउ एंटर द स्कूल ग्राउंड where children's were playing, breaking through the brick wall. तो अब वो जो एलिफेंट है वो आ गया है स्कूल ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और अब वो टफ ब्रिक को जो है उसको तोड़ देता है. ऑल द बॉयज़ रन इनटू द क्लास रूम्स एंड शट द डोर्स टाइट. तो सारे बच्चे जो हैं, सारे बॉयज़ जो हैं क्लास रूम्स पर दौड़ के चले गए और जो दरवाज़ा है उसको टाइटली बंद कर दिया. द बीज ग्रंटेड एंड वैंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टियरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, kicking and flattening the drum cap for water and uprooting the shrubs. तो अब जो वो बीस्ट है उसने क्या किया है, फुटबॉल ग्राउंड को में फुटबॉल गोल पोस्ट को काट दिया, तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ को वॉलीबॉल नेट वगैरह सब फाड़ दी, किक कर रहा था, फ्लैट कर रहा था वो हर जगह. ठीक है, तो ऐसे ही वो कर रहा था तब तक की कहानी बता रही है कि उसने कितनी तबाही मचा दी. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. तो अब सारे टीचर्स जो हैं वो टेरेस पे पहुंच गए हैं स्कूल बिल्डिंग के. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द ग्राउंड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट. तो वहाँ से वो एलिफेंट की हरकतें देख रहे हैं. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. और एक भी इंसान, एक भी आत्मा, एक भी छाया नहीं है ग्राउंड पे. द स्ट्रेस वे एम्प्टी. तो जो स्ट्रीट्स हैं वो भी एम्प्टी है. सॉरी स्ट्रीट्स है, ये मैंने स्ट्रेस बोल दिया. As if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. ऐसा लगता था कि जो पूरे गांव के जितने भी लोग हैं ना, इनहेबिटेंट हैं जो वहाँ रह रहे, सब डिसअपियर हो गए हैं. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. तो अब वो कहते हैं कि मैं भी उस वक्त जूनियर क्लास में उसी स्कूल में पढ़ रहा था और मैं ये सारा ड्रामा रूफटॉप से देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teacher and ran down the stairs and into the open. अब मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने जो टीचर के हाथ से उनकी छड़ी ली और मैं नीचे पहुंच गया, सीढ़ियों से दौड़ते दौड़ते नीचे ग्राउंड में पहुंच गया. The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. तो अब वो एक ब्रांच जो होता है ट्री का उसको तोड़ देता है, ग्रंट करता है. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, किकिंग अप
अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. तो अब वो अपने फीट से स्टैम्प कर रहा है, मतलब कूद रहा है, पैर पटक रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट फैल रहा है. पीपल वेयर वॉचिंग द सीन. तो अब सब फ्राइटनिंग लिख रहे हैं, सब लोग वो सीन देख रहे हैं. मैं एकदम धीरे धीरे उसके पास गया अपने हाथ में स्टिक लेके. सब उसका सीन देख रहे हैं हिप्नोटाइज होके, ठीक है, नियर बाई हाउस टॉप से, ठीक है. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आईड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. अब जो एलिफेंट है वो मुझे गुस्से से देख रहा है लाल लाल आँखें करके, कि अब वो मेरी तरफ रश करने वाला है. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली. अब वो अपने ट्रंक को उठाता है और ट्रम्पेटेड करता है, मतलब अपनी वॉइस निकालता है लाउडली. एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वेग्ड इट्स थर्ड टोइनल ऑन द क्विक. तो अब मैं अपनी सारी फोर्स के साथ उसके थर्ड टोइनल पे, जो है ना टो की नेल होती है ना थर्ड वाली, उस पर मैंने उसको मारा बहुत तेज. द बीस्ट लुक स्टंड फॉर अ मोमेंट. तो एक टाइम के लिए तो जो बीस्ट है वो एकदम स्टन हो गया एक मोमेंट के लिए. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. और अब वो एकदम हिलने लग गया सर से पाँव तक एंड कोलैप्स. और वो गिर गया, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. तो अब इस पॉइंट पे ईश्वरन जो है स्टोरी को छोड़ के चला जाता है मम्बलिंग करते हुए, और कहते हैं कि मैं आता हूँ गैस को ऑन करके, था कि खाना गर्म हो जाए हमारा डिनर का. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. तो अब वो इतने अटेंशन के साथ सुन रहा है, अब उसको जानना है आगे क्या हुआ है महेंद्र को. तो वो एकदम मतलब हैंगिंग होते हुए लेफ्ट उसको छोड़ दिया गया, वो हैंग हो रहा है इधर उधर. When he returned, Ishwaran would not pick the thread of the story right away. तो जब वो वापस आते तो ईश्वरन एकदम वहीं से नहीं स्टोरी को उठाता है. महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. अब महिंद्रा को ही उसे याद दिलाना पड़ता है कि कंक्लूजन जो है वो पेंडिंग है. वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. तब वो कहता है एक वेटनरी डॉक्टर आता है, उसको चेक करता है और रिवाइव करता है एनिमल को. मतलब जो एनिमल्स को चेक करते हैं ना डॉक्टर, उसी को हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं. ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली. और ईश्वरन जो है वो श्रक करेगा कैजुअली जैसे करते हैं लोग. टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महोत टू द जंगल. अब वो कहते हैं कि दो दिन बाद जो है वो उस एलिफेंट को उसके महोत को दे दिया जाता है जंगल में. तो इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं. इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस. अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी करो, मैं सब देख रही हूँ.